दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जब हम साइट पर डोर और विंडो अपने घर में देते हैं तो उसकी जो फ्रेम होती है चौखट होती है तो उस फ्रेम के ऊपर आपने देखा हो कि एक बीम दिया जाता है जिस बीम को लिंटल बीम बोलते हैं कुछ लोग इसको डोर बीम भी बोलते हैं कुछ लोग इसको डोर बैंड भी बोलते हैं तो इस बीम से जुड़ी जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं कुछ लोगों को पता होती हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं होती हैं और जिसके कारण बस वो कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं और उसका जो नुकसान है वो हमें आगे चल के देखने को मिलता है जैसे कि दीवार में दरारें आ जाना हमारी जो चौखट डोर फ्रेम होती है उसमें ऐंट आ जाना वो सारी चीज़ें तो मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में और जो लोग गलती करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारी दरवाजे या विंडो लगाए जाते हैं तो एक उसका टॉप लेवल माना जाता है जैसे कि सात फिट या हाट फिट उस लेवल को बोलते हैं लिंटल लेवल और जिस लेवल पे बीम दिया जाता है उसी को इस कारण बस लिंटल बीम बोलते हैं ठीक है तो ऐसा कन्फ्यूज़ मत होना कि लिंटल बीम और डोर बीम और डोर बैंड अलग होता है सब एक ही होते हैं देने के तरीके कुछ लोग गलत कर देते हैं अलग अलग कर देते हैं वो तरीका भी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ये है इसकी कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी दीवार में कुछ हिस्सा आपने कट किया चाहे वो दरवाजे के लिए किया चाहे वो विंडो के लिए किया अब आप उसमें जब विंडो देते हैं तो क्या होता है कि उस कुछ हाइट पे हमारी एक बीम देना जरूरी इसलिए हो जाता है कि जैसे मान लीजिए चौखट देने के बाद भी उसके ऊपर हमें ब्रिक बर्क करना होता है ताकि वो स्लैब तक हमारी वो दीवार ऊपर तक जा सके अब उस पर जो स्लैब का लोड आता है बीम का लोड आता है वो डायरेक्टली हमारी किसी चौखट पर ना पड़े जिस वजह से हमें बीम देते हैं और वो बीम जो है वो वजह से क्या होता है कि जो हमारा लोड आता है वो डायरेक्टली हमारी किसी चौखट पे नहीं आएगा जिसकी वजह से जो चौखट में दरारें आ जाती हैं कभी आप देखते हैं ऐट आ जाती है और दीवारों के पास में जहाँ चौखट होती है वहाँ पे दरारें सी लाइनिंग आ जाती हैं वो सभी उसी वजह से होती हैं कि अगर हम डोर बीम नहीं देते हैं अब कुछ लोग देते भी हैं तो कमी क्या करते हैं जैसे मान लीजिए कि ये जो बीम यहाँ पे दिया गया है सही तरीके से नहीं दिया है इसको दीवार पे बिल्कुल भी नहीं टेका गया है ये गलत तरीका है वो मैं आगे बताऊंगा कि तरीका क्या होगा इसमें सरिये की जो डिटेल होती है वो क्या हमें रखनी चाहिए और कितनी मोटाई रखनी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए वो सभी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ चाहे आप एक मकान मालिक हैं या फिर आप एक वर्कर हैं चाहे पेंटर हैं पारपेंटर हैं मिशन हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो इस ऐप का नाम है एक प्रोजेक्ट हीरो जैसे कि यह प्लेटफॉर्म है प्रोजेक्ट हीरो तो अगर हम बात करें तो आपको इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के तो पहले मैं आपको डिस्कस ये कर देता हूँ कि एक्चुअली इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं देखिए अगर आप एक मकान मालिक हैं तो आप यहाँ से इस ऐप पे लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और आप वर्कर्स हायर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार कि आपको क्या किस मार्केट में आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन से वर्कर चाहिए जैसे कि पेंटर हो गए मिस्त्री हो गए या फिर आपके बारबेंडर हो गए सेटरिंग वाले हो गए सभी आप यहाँ से हायर कर सकते हैं एक जो मतलब एक वेल well एजुकेटेड कह सकते हैं या कह सकते हैं स्किल्स कह सकते हैं ठीक है स्किल्स हम बोल लेंगे वो काफ़ी ठीक रहेगा तो स्किल्स वर्कर होते हैं काम की काफ़ी अच्छे से समझ होती है क्वालिफाई होते हैं उनका सर्टिफिकेट सब कुछ उनको दिया जाता है क्योंकि उनके सारे आ, मतलब टेस्ट कह लीजिए या उनकी जो नॉलेज है उनको परखा जाता है और अगर आप एक वर्कर हैं चाहे आप मिशन हैं कारपेंटर हैं जैसे मैंने बोला जो भी साइट पर हम वर्कर एज अ वर्कर काम करते हैं तो वो भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड करेंगे और अपनी प्रोफाइल बना लेंगे प्रोफाइल मतलब एक बहुत ही बेसिक डिटेल है इसमें जो जो अपनी काम से रिलेटेड डालने की आपको कितना तजुर्बा है किस फील्ड में आप काम करते हैं पूरी कंप्लीट डिटेल जो वीडियो मैंने इस ऐप की बनाई है वो भी मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के तो कहाँ से आप जब कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से अपनी प्रोफाइल को बना पाएंगे और जब आप देखेंगे अपने काम से रिलेटेड आप यहाँ पे कोई भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जैसे कि आप बारबेंडर हैं मान लीजिए तो यहाँ पर आपको आपके काम से रिलेटेड जॉब दिखाई देने लगेंगी चाहे वो बारबेंडर हैं चाहे वो कारपेंटर हैं और पर डे जो भी आपकी वेतन रहेगा वो भी शो होता रहेगा किस एरिया में कहाँ पे आपको जॉब है वो सब दिखती रहेगी जब आप इस पर अप्लाई करेंगे जॉब तो आपको 24 से 48 घंटे में बैकहड टीम से कॉल आ जाएगी या आपसे वो कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको जो भी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे काम हुआ साइट चल रही होगी तो वहीं पे जॉब मिल जाएगी या जहाँ भी आपकी पास साइट चल रही होगी उसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी और आप एक अच्छा बेतन यहाँ से उठा सकते हैं और साथ ही एक अच्छी कंपनी से आप जुड़ सकते हैं काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको मिलती है वो कम्प्लीट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने नीचे दे रखा है लिंक तो वहाँ पर आप जाइए आप बिल्कुल उस पर अपनी प्रोफाइल को बनाइए और एक अच्छा बेनिफिट अपने करियर में उठाइए तो वीडियो में यहाँ तक आपने देखा तो जैसे मैंने बोला कि अभी हम आ जाते हैं पॉइंट पे तो जैसे मैंने डोर बीम के बारे में बात करा था यहाँ पर सामने देखें कि एक विंडो में ऊपर आप बीम देखेंगे वो बीम जो है डाला तो गया लेकिन कंडीशन उसकी भी थोड़ी आ, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन यहाँ पर हम देखें तो कुछ बेटर है उस पुराने वाले बीम से जो हमने पहले देखा था बेसिकली देखो इस बीम को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए इसका एक प्रॉपर हमें जाल बांधना चाहिए देखिए चार इंची की दीवार है तो चार इंची के हिसाब से आप बांधेंगे नौ इंची की वॉल है आपकी तो उसमें नौ इंची के हिसाब से चौड़ाई में आप बीम बांधेंगे अगर इसकी सरिये की बात करें तो दो आप टॉप में दे सकते हैं दो बॉटम में दे सकते हैं सरिया आपकी ठीक है इसमें तीन दिए लेकिन फिर भी आप दो दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सीयर वार की तरह यहाँ पे सरिया दी गई है आप ऐसा चाहें तो दे सकते हैं वरना आप दो सरिया टॉप में दो सरिया बॉटम में बिल्कुल दें आप बारह एम की सरिया दें और इसमें जो रिंग की दूरी है वो आप छः इंची रख सकते हैं अगर इस पूरे बीम की कास्टिंग करने के बाद ढलाई करने के बाद जो मोटाई रहेगी वो मोटाई आप तो छः इंची से कम ना रखें क्योंकि कहीं ना कहीं जब दीवार का लोड आता है आपके बीम पे तो इतना मोटा तो होना चाहिए इतना तो हैवी होना चाहिए कि वो लोड को ट्रांसफ़र कर पाए बिना किसी नुकसान के बिना किसी दिक्कत के कि आपकी चौखट पे उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो ये आपको ज़रूर देना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि मान लीजिए कि अगर आपका तीन फिट का कोई दरवाज़ा है और उसके आप बीम दे रहे हैं तो कम से कम आप डेढ़ डेढ़ फिट आप दीवार की साइड पर टेकिए उसको ताकि उस पर एंकरिंग मिल पाए उसको सपोर्ट मिल पाए दोनों साइड से ऐसा नहीं है कि आप चार इंची छः इंची ही रख के छोड़ दें उसको ठीक है तो वो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर मेरे कंपेयर में अगर मैं मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट के लिए दीवार पर रखना चाहिए जैसे मैंने बोला मोटाई भी आपको बता दी हाइट मैंने आपको बता दी सात से आठ फिट की हाइट पर आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी डोर की विंडो की हाइट जैसे कि आप देखें यहाँ पे पूरी दीवार पर बीम घुमा दिया गया है चार इंची की वॉल है तो आपको पूरी दीवार पे देना चाहिए अगर आपकी नौ इंची की वॉल है तो ज़रूरी नहीं कि पूरी दीवार पे आप दे तो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप करना वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके आप ऐप को डाउनलोड करें अपनी प्रोफाइल बनाएँ और एक अच्छी जॉब पाएँ तो वीडियो छोड़ो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग